मैं अभी यूसुफ़ई पठान भी यहाँ से भाइयों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ। आज मैं आपको ये कबूतर का शौक कराऊँगा, ठीक है। आप इसके कलर्स वगैरह देखें और इसके बारे में पहले कुछ इसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ, कहाँ से लाया था मैं और किससे लाया था, बाकी सब डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आपको शौक कराऊँगा कि इस कबूतर को आपको शो करने का रीज़न क्या था, ठीक है। तो चलिए पहले कलर्स वगैरह आप देख लें, इसके कलर्स और देख लें, ठीक है। तो ये कबूतर मैं लगभग पिछले के पिछले से मतलब 2 साल हो गया था, ठीक है, तब मैं गया था भोपाल, ठीक है, क्योंकि मुझे उड़ाने का शौक़ बहुत है और मेरे पास घर में बीमारी आ गई थी जिसके कारण के बहुत सारे कबूतर मर गए थे, बच्चे पट्टे वगैरह। तो मैं अलीम उस्ताद अलीम जो कि अब उस्ताद हो चुके हैं, उससे मैं उस्ताद ही नहीं ली थी उन्होंने, ठीक है, तब मैं गया था। तो मैं जब भोपाल गया तो दिल्लू दिलावर साहब, ठीक है, और उस्ताद आगा अब्दुल अलीम खान, उन्होंने मुझे बहुत सारे कबूतर गिफ्ट किए थे, उसमें से ये एक कबूतर था, ठीक है, पट्टा था उस समय, पर किसी वजह से मैं कबूतर उड़ा नहीं पाया। कबूतर मेरे पास ही था, मैंने संभाल कर रखे हुआ था। देखें बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, ठीक है, ये लें, इसकी आँख का शौक करें आप, ठीक है, ये देखें। तो मैंने इसे फिर क्या किया, कैच करके घर पे रख लिया था, फिर ये देखें, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है, ये इसकी आँख है, इसकी चोंच वगैरह देखें, इसके कलर्स देखें, सलेटी कलर में है ये, ठीक है, सलेटी शेड लिए हुआ कबूतर ये, बहुत बड़ा साइज़ का कबूतर है। तो फिर क्या हुआ कि लास्ट नवंबर में ये कबूतर किसी चिड़ीमार ने पकड़ लिया, ठीक है, पर कटा हुआ गिर गया था। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये कबूतर घर वापस आ गया, ठीक है, ये देखें, किसी ने पकड़ के इसके पर कैच कर लिए थे, ये देखें, ये देखें, यहाँ से कैच है ये कबूतर और नए पर लेकर है लास्ट दिसंबर में। और देखिए इस कबूतर की खूबी देखिए कि इसे पर आया और ये घर वापस आ गया अपने, ठीक है, ये देखिए, ये कबूतर जब आया तो मैं अपने ब्रीडर्स को खिला रहा था, ठीक है, फिर ये आकर बाहर से गिरा, तो ये देखें इसका कुंदन कितना बड़ा है, माशाल्लाह से देखें वाइब्रेशन वगैरह कर रहा, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ। तो ये देखें, उसकी गलती यही थी कि उसने इस कबूतर को पर दे दिया, ठीक है। तो जब मैं ब्रीडर्स को खिला रहा था तब ये कबूतर आके मेरे लॉफ्ट पे बैठा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जैसे जो मेरा डेली का काम है, फिर मैंने उन कबूतरों को अंदर किया, ये भी अंदर चला गया, फिर मैंने इसे पकड़ कर जहाँ पे इसकी जगह है, ठीक है, जहाँ पे मैं सेपरेट मेल रखता हूँ वहाँ पे उसे मैंने डाल दिया। और देख लीजिए आपके सामने इसकी, ना मैंने पर कैच की ना कुछ भी है, देखिए नया पर लेकर है। जब ये कबूतर 8-9 महीने बाद घर वापस आ सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी पर कैच करने की ज़रूरत है। देखिए पर पे पर कितने चढ़े हुए हैं, चौड़े कितने पर हैं। तो ये इन कबूतरों को अगर मुझे गर्मी में उड़ाना तो मुझे इनमें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। ये देखें बगली की पर कितने अच्छे हैं, तो ये देख बहुत बड़े बहुत चौड़े कुंद हो गए। ये दुम दुम में देखें सलेटीपन है, ठीक है, ये देखें दुम का शौक, जिस कलर की इसकी चोंच है देखें ब्लैक, ठीक है, तो उस कलर की इसकी सेम नेल्स भी हैं। देखिए ये गेरी मैंने ही डाला था तो मुझे याद था ये कबूतर, ठीक है। तो लगभग ये 8 महीने बाद मेरे पास वापस आ गया। इसको अब इंशाल्लाह मैं अब जोड़ों में डालूंगा, उसके लिए रोक लिया हूँ, ठीक है। फिर से आप ये देखें आँख का शौक कर लें। तो फिर से मैं उस्ताद आगा अब्दुल अलीम खान और दिल्लू दिलावर साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे कबूतर दिए हैं, ठीक है, ये देखें इसके पर देखें मैं, और ये देखें वाइब्रेशन हो रही है, ये देखें। पहला बार जो मैंने ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लर हो जा रहा है बार बार। वैसे मैं हाथ खुद ट्राइपॉड बिना ट्राइपॉड का ही वीडियो बनाता हूँ। ये देखें ये पूरा कबूतर माशाल्लाह। तो चलिए, और कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है, तो इंशाल्लाह हर थर्सडे और हर संडे को इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी।
ठीक है। तो चैनल से को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर यूसुफ़ज़ई पठान पिजन्स।